सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के 10 सबसे लोकप्रिय सितारे बॉलीवुड ग्लिट्स, ग्लैमर और सेटिंग ट्रेंड के बारे में है। इसलिए यह मानना है कि सितारे उद्योग चलाते हैं। स्टारडम प्रकृति की एक ताकत की तरह है। भारत में बॉलीवुड सितारों की देश में सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ के सितारों को 1 अरब से अधिक लोगों की आबादी पर देखा जाता है। वे जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं उसके बारे में बात की जाती है कि यह कितना बड़ा या छोटा है। इसका मुख्य कारण सिनेमा के प्रति भारत का प्रेम है। भारतीयों को मनोरंजन करना पसंद है और फिल्में देखना देश के लिए मनोरंजन का सबसे पसंदीदा स्रोत है। जैसे जैसे वे अपने सितारों को बार बार पर्दे पर देखते हैं, लोग स्टार में ही दिलचस्पी पैदा करते हैं। वे उस कलाकार के साथ एक लगाव बनाते हैं जो फिल्म देखने के बाद भी रहता है। सब कुछ जो एक स्टार कहता है लोगों की राय पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है और कुछ हद तक इसे बदल भी देता है। नंबर 10, वरुण धवन। वरुण धवन बॉलीवुड अभिनेता की आवश्यकताओं के सभी बक्से की जांच करते हैं। वह एक अद्भुत अभिनेता है, बहुत अच्छे दिखने वाले और एक अविश्वसनीय नर्तक है। वरुण धवन ने युवा सितारों की वर्तमान फसल के बीच सबसे सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण किया है और बहुत से सबसे अधिक बिक्री योग्य में से एक है। उन्होंने करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और तब से कोई पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था। वरुण धवन के करियर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। प्रत्येक फिल्म जिसमें उन्होंने अभिनय किया है लाभदायक साबित हुई है और उन्होंने विभिन्न प्रकार की फिल्मों के साथ प्रयोग करके और एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा को साबित करके इस रिकॉर्ड को बनाए रखा है। बदलापुर में उनके प्रदर्शन को उनके अब तक के सबसे बेहतरीन कामों में से एक माना जाता है, जिसमें उन्होंने साबित कर दिया कि विशिष्ट व्यावसायिक नायक के साथ साथ वह एक गहन और निर्मम चरित्र की भूमिका भी कर सकते हैं। जैसा कि पूरी तरह से उनकी हालिया रिलीज जुड़वा 2017 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी, वह निश्चित रूप से मेकिंग में सुपरस्टार है। नंबर 9, शाहिद कपूर। शाहिद कपूर बॉलीवुड के परम चॉकलेट बॉय है। जब से उनकी शुरुआत हुई थी तब से ही उनके अच्छे लुक को देखकर लड़कियां उन पर फिदा थी और अच्छे लगने के साथ साथ शाहिद कपूर के पास बहुतायत में एक चीज है, कामिनी और हैदर जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को समीक्षकों के साथ साथ दर्शकों ने भी सराहा और पद्मावत के साथ यह चलन जारी है क्योंकि फिल्म ने अद्भुत समीक्षाओं को खोला है और पहले से ही ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने की राह पर है। कबीर सिंह में उनका लुक फैंस को सबसे ज्यादा पसंद आया था। नंबर 8, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट अभिनेताओं के अगले जीन में से हैं, जो आने वाले वर्षों में उद्योग को संभालेंगे। हालांकि वह उतने अनुभवी नहीं हैं, जितने लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके अनुभव की कमी उनके काम में दिखाई नहीं देती है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में अपनी शुरुआत के बाद से उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। हर गुजरती फिल्म ने उसके खेल को देखा है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के एक सामान्य व्यावसायिक झपटमारी के बाद उसने हाईवे जैसी ऑफ बीट फिल्म करने का जो तथ्य चुना वह यह दिखाने के लिए जाता है कि वह प्रयोग करने में शर्मिंदा नहीं है। आगे वह उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों के साथ एक अभिनेत्री के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित करने के लिए चली गई, जहां वह एक छोटे शहर की लड़की की भूमिका निभाती है जिसके पास एक कठिन समय है और फिर भी वह ट्रंप बनकर आती है। अपने अभिनय कौशल के साथ वह अपनी गायकी के लिए भी जानी जाती है क्योंकि उन्होंने हम्प्टन शर्मा की दुल्हनिया और उड़ता पंजाब जैसी फिल्मों में गाना गाकर अपनी आवाज से सबका दिल जीता है। नंबर 7, सोनम कपूर। सोनम कपूर ने संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में रणबीर कपूर के साथ एक दशक पहले अपनी शुरुआत की। तब से उसे रांझणा और नीरजा जैसी कुछ अद्भुत फिल्मों में देखा गया, जिसमें उसे एयर होस्टेस के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए काफी सराहना मिली, जो एक अपहृत विमान में कई लोगों की जान बचाने में सफल रही। अपने अभिनय के अलावा सोनम कपूर अपने फैशन सेंस के लिए भी बहुत लोकप्रिय हैं। वह हमेशा स्टाइल ट्रेंड में शीर्ष पर रहती हैं और हमेशा कुछ नया और स्टाइलिश पहने हुए देखा जाता है। रेड कार्पेट पर उनकी उपस्थिति के बारे में हमेशा बात की जाती है और ईमानदार होने के लिए वह रेड कार्पेट पर अपनी पहली उपस्थिति के बाद से ही इसे पसंद कर रही है। वह कभी भी फैशन रूलबुक से नहीं खेलती है और अपने आउटफिट में एक व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ती है जो उन्हें और अधिक अद्वितीय बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के रेड कार्पेट पर उनकी उपस्थिति हॉलीवुड के कुछ सबसे प्रिय लोगों को मात देने का प्रबंधन करती है। उसने अपना खुद का लेबल लॉन्च किया है और साथ ही साथ बड़ी बंदूकें भी चल रही हैं। नंबर 6, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का करियर उनकी शुरुआत से ही सही था, लेकिन फिर भी वह हमेशा विनम्र बनी रहती हैं। अब एक दशक से अधिक समय हो गया है क्योंकि अभिनेत्री ने उद्योग में अपनी जगह बनाई है, लेकिन वह पहले से ही ओम शांति ओम में अपनी शुरुआत के बाद से लोगों के लिए प्रिय बन गई। दीपिका पादुकोण का एक्टिंग करियर एक शानदार उदाहरण है। अगर कोई जानना चाहता है कि बॉलीवुड कोड को कैसे क्रैक किया जाए
उनका हर प्रदर्शन पिछले एक से बेहतर रहा है और अब पद्मावत के साथ उन्होंने बार को काफी ऊंचा कर दिया है। उन्हें पद्मावत, चेन्नई एक्सप्रेस और ये जवानी है दीवानी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ पहले से ही उद्योग में सबसे अधिक व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेत्री के रूप में माना जाता है। दीपिका को हॉलीवुड फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज में भी देखा गया था, जो फिर से अपनी लोकप्रियता दिखाने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सीमित है। जनवरी 2015 में दीपिका ने खुले तौर पर अपने अवसाद के बारे में बात की और अधिकांश लोगों के विपरीत उन्होंने वास्तव में इसके बारे में कुछ करने की कोशिश की। वह लाइव लव लाफ एक नींद लॉन्च करने के लिए गई थी, जो लोगों को अवसाद से लड़ने में मदद करती है। नंबर 5, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार उद्योग में हमारे सबसे कम अभिनेताओं में से एक है। शाहरुख खान की तरह ही वह एक स्वनिर्मित स्टार है। उन्होंने एक रेस्तरां में एक वेटर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और हमारे देश के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक के रूप में काम करने के लिए अपनी तरह से काम किया है। अक्षय कुमार ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने में जिन दो मुख्य कारणों की मदद की है, वो उनकी कड़ी मेहनत और प्रतिभा है। वो देश के सबसे मेहनती अभिनेताओं में से एक है। हाल ही में अक्षय ने उन फिल्मों की प्रकृति को बदल दिया है जिनमें वो अभिनय कर रहे हैं। मूल रूप से अपनी एक्शन और कॉमेडी उन्मुख फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, सुपरस्टार अब ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो कुछ सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती हैं। वो अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक बेहद स्मार्ट चाल है, क्योंकि देश के दूरदराज के कोने के लोग भी फिल्में देखते हैं। वह हमेशा शारीरिक फिटनेस को गंभीरता से लेने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। वह कुछ वर्षों से एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है और अक्सर इसे खेल या फिटनेस से संबंधित घटनाओं में देखा जाता है। नंबर 4, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को आप ऑलराउंड पैकेज कहते हैं। वह एक अभिनेत्री, गायिका, नर्तकी, निर्माता और सूची सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ती है। ठीक उसी समय से जब उन्हें मिस वर्ल्ड के रूप में ताज पहनाया गया तो दुनिया को पता था कि एक स्टार आ चुका है। वह व्यावसायिक रूप से सफल अभिनेत्रियों में से एक है जिन्हें बॉलीवुड ने कभी देखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध रैपर पिटबुल के साथ एकल रिकॉर्डिंग के बाद वह दुनिया भर में एक लोकप्रिय व्यक्ति बन गई है। हॉलीवुड की चम्मच ने अपने दरवाजे खोल दिए और वह प्रतिष्ठित एक्शन सीरीज क्वांटिको में मुख्य भूमिका निभाने में सफल रही, जो इसके तीसरे सीजन में प्रवेश करने वाली है। उन्होंने ड्वेन जॉनसन और जैक एफ्रॉन के साथ हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में भी अभिनय किया। फिल्मों में शानदार करियर के अलावा सामाजिक कारणों से भी उनका काम उतना ही अद्भुत है। उसने पिछले 10 वर्षों में यूनिसेफ के साथ काम किया है और 2010 और 2016 में क्रमशः बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक यूनिसेफ सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। वह पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों जैसे विभिन्न कारणों को बढ़ावा देती है और विशेष रूप से लैंगिक समानता और नारीवाद के बारे में मुखर है। नंबर 3, अमिताभ बच्चन। अगर शाहरुख खान भारतीय सिनेमा के बादशाह हैं, तो अमिताभ बच्चन बादशाह हैं। अमिताभ बच्चन शायद पहले मेगा स्टार हैं जिन्हें देश ने देखा है। वो शाब्दिक रूप से परिभाषित करता है कि सेलिब्रिटी होने का क्या मतलब है, और जब वो अभिनय की बात करता है तो उद्योग के लिए वो स्वर्ण मानक भी है। न केवल भारत में बल्कि दुनिया में लाखों लोगों के चहेते होने के बाद भी वह अभी भी किसी तरह जमीनी और विनम्र बने हुए हैं। अमिताभ बच्चन शायद इंडस्ट्री के एकमात्र अभिनेता हैं जिनके बारे में आप अपने पिता और यहाँ तक दादा के साथ बात कर सकते हैं। हाँ, वह लंबे समय से आसपास है और इन दशकों के काम के दौरान उन्होंने गेंद को एक बार भी गिरने नहीं दिया और हमेशा अपने काम के लिए समर्पित रहे। आज भी 75 साल की उम्र में फिल्मों के प्रति उनका समर्पण हमेशा की तरह मजबूत है। यहाँ तक उनकी गहरी बैरिटोन भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग काफी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो अक्सर फिल्मों के आख्यानों के लिए अपनी आवाज उधार देते देखे जाते हैं। नंबर 2, सलमान खान। भले ही सलमान खान सिर्फ 52 साल के हो गए हों, लेकिन वह 30 की उम्र में एक दिन भी नहीं दिखते हैं। उनकी छरहरी काया अभिनेताओं को उनकी उम्र का आधा हिस्सा भी दे सकती है। एक लड़के के अगले दरवाजे प्रेम से लेकर घातक और क्रूर टाइगर तक सलमान खान ने अपने करियर में एक लंबा सफर तय किया है। उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक उनकी सफलता के बारे में बात करते हैं। अपने डेब्यू से ही सलमान ने ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। जब तक सलमान ने इंडस्ट्री में प्रवेश किया, तब तक किसी अभिनेता की काया को बेहद महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था, लेकिन उनके शर्टलेस अवतार ने वो सब बदल दिया। अपने पदार्पण के बाद न केवल अभिनेताओं ने एक अच्छी काया के विकास के लिए अधिक प्राथमिकता देनी शुरू की, बल्कि सलमान ने हमारे राष्ट्र के युवाओं को प्रभावित करने में भी कामयाबी हासिल की।
जिसने उन्हें अपने शरीर पर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। अब भी सलमान खान जो भी करते हैं उसका चलन खत्म हो जाता है। यह एक संवाद या केश, एक गीत या एक कंगन के रूप में भी बुनियादी कुछ हो, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सलमान खान देश के सबसे बड़े प्रभावितों में से एक है। सलमान के पास उद्योग में नई प्रतिभाओं को पेश करने और उनका पोषण करने की प्रतिष्ठा भी है। उन्होंने वर्षों में उद्योग में कई कलाकारों को पेश किया है और उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया है कि वे अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए गुणवत्ता वाले काम करने में सक्षम है। नंबर एक, शाहरुख खान इसमें सुपरस्टार है और शाहरुख खान है। शाहरुख खान सिर्फ एक कलाकार नहीं है बल्कि वह खुद एक ब्रांड है। उनकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में उनका नाम पहचाना जाता है। और यह तथ्य कि उन्होंने बिना किसी प्रकार के समर्थन के अपने दम पर उद्योग में इसे बड़ा बना दिया है, जो किंग खान होने की उनकी यात्रा को और अधिक विशेष बनाता है। शाहरुख खान ने अपने करियर की शुरुआत 1988 में फौजी नामक टीवी शो से की थी और अब इसे दुनिया का दूसरा सबसे अमीर अभिनेता कहा जाता है। शाहरुख वर्तमान में टॉम क्रूज और जॉनी डेप जैसे हॉलीवुड के दिग्गजों से अधिक कमाते हैं और केवल स्टैंड अप कॉमिक किंवदंती जेरी सीनफील्ड के पीछे पड़ जाते हैं। मेगा स्टार बनने की उनकी सच्ची यात्रा दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाद शुरू हुई। फिल्म ने निम्नलिखित को आकर्षित किया और अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर में एक मैटिनी शो चल रहा है। प्रत्येक भारतीय ने फिल्म को कई बार देखा है और उनमें से ज्यादातर फिल्म से लाइनें भी सुना सकते हैं। उनकी वैश्विक अपील भी किसी अन्य भारतीय सेलिब्रिटी के करीब नहीं आती है। जब मेरा नाम खान 2012 में बलिन फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाला था तो फिल्म के टिकट महज 5 मिनट के भीतर बिक गए थे। वो बहुत लोकप्रिय मैडम तुसाद वैक्स संग्रहालय में मोम की प्रतिमा से सम्मानित होने वाले तीसरे भारतीय भी थे। सभी कामों के अलावा वह लोकप्रिय भी है क्योंकि वह दिन के अंत में एक अद्भुत इंसान है। वह वर्तमान में देश का सबसे बड़ा सितारा हो सकता है लेकिन वह कभी भी गलती करने या खुद की आलोचना करने से नहीं कतराएगा। इसलिए यह कहा जा सकता है कि वह देश के सबसे बड़े प्रभावितों में से एक है।